भिवानी जिले में दो दिन में लगातार कोरोना बम का विस्फोट हो रहा है। अब तक जिले में दो दिन में 20 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। तो वहीं भवानी खेड़ा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां कुल 15 पॉजिटिव सैंपल स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुए थे। उनमें से एक पॉजिटिव केस भवानी खेड़ा के गांव सिरसा घोगड़ा का है, जो एक टैक्सी ड्राइवर है। वहीं दूसरा पॉजिटिव केस आज सुबह स्वास्थ्य विभाग को मिला। 5 पॉजिटिव केसों में से एक भवानी खेड़ा के वार्ड नंबर 12 के एक युवक है, जो हरियाणा रोडवेज के परिचालक है। वह 26 मई को गुरुग्राम से प्रवासी मजदूरों को छोड़ने के लिए अलीगढ़ गया था। इसके बाद उसने भवानी खेड़ा आकर तबीयत खराब हुई तो भवानी खेड़ा के सामान्य अस्पताल में चेकअप कराया। 29 मई को उसने भिवानी के सामान्य अस्पताल में सैंपल जांच के लिए दिया, जिसकी आज सुबह विभाग को पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई। इस दौरान वह कई लोगों के संपर्क में आ रहा है। आज सुबह अपने घर के लिए बाजार में किराने का सामान सब्जी खरीदी थी। नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि सिरसा घोगड़ा व भवानी खेड़ा के दोनों पॉजिटिव केसों के भिवानी सामान्य अस्पताल के कोविड वार्ड में आइसोलेट कर दिया गया है तथा उनके परिजनों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं दोनों क्षेत्रों को भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। दोनों गांवों में सैंपलिंग, स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू करवा दिया गया है। आज की बनी हुई है, कल भी जिस प्रकार से 15 केस आए थे, आज कितने केस आए और क्या स्थिति बनी? कल भी अचानक हमारे पास एक 15 केस पॉजिटिव आ गए थे। आज सुबह भी एक 5 लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसमें एक अशोक कुमार है गौशाला मार्केट में से, जो अभी 21-22 तारीख को दिल्ली भागीरथ पैलेस से आना जाना रहा है। इसमें एक संजय है भवानी खेड़ा में, जो गुरुग्राम में बस कंडक्टर है, और एक महेश है हलवास का, जो सिक्योरिटी गार्ड है सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। एक कैलाश है ओल्ड बस स्टैंड एरिया में, जो कि ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है। और एक सोनू है जिस सांगा गाँव से, जिसकी ट्रेवल हिस्ट्री है गुवाहाटी से। सर कुछ टोटल अगर बात करें तो कितने एक्टिव केस हैं अभी? आज के दिन हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड एक्टिव केसेस 26 हो गए हैं। सर सावधानियां बरती जा रही हैं? सावधानियां हम तो बार बार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के सभी निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित हिदायतें हैं उनका पूरी तरह से पालन करें और अपने घरों में रहें, गर्म पानी पिए, हेल्दी डाइट लें और एक दूसरे से गैप मेंटेन करते हैं। बिल्कुल, हमने रात को ही कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, बाकोठी एरिया को सील कर दिया। 20 टीमें सैनिटाइजेशन, स्क्रीनिंग और सैंपलिंग के लिए हमने वहां पर तैनात किया। मरीज आए हैं, उनकी हेल्थ के बारे में अगर चर्चा की जाए तो कैसी स्थिति है उनकी? एक दो पेशेंट को छोड़कर बाकी लोगों की एसिम्प्टोमेटिक आई है। एक दो हमारे जो सिम्प्टोमेटिक है वो टीबी की पेशेंट है, जैसे पहले ऑलरेडी दवाइयाँ ले रही है तो थोड़ा इम्यून कम्प्रोमाइज थे इसलिए, और बाकी सब ठीक है। ऑब्वियसली अब तो रेड जोन में ही होगा, 21-26 केस हो गए हमारे पास एक्टिव केस। हॉटस्पॉट हमारा बागकोठी, आज के दिन तो भिवानी में बागकोठी एरिया बन गया है हॉटस्पॉट। तिगराना वाले जो पेशेंट आए तो उसमें स्थिति क्या, वो भी कंटेनमेंट जोन में आता है? बिल्कुल, तिगराना चांग हमारा रेवाड़ी खेड़ा पहले से कंटेनमेंट जोन थे। अभी हमने रात को एक मामला से पेशेंट शिफ्ट किया, एक सिरसा घोगड़ा से किया है, बागकोठी एरिया से हो गया। अभी हम एक सांगा, एक भवानी खेड़ा, एक हलवास और दो ये भिवानी के पेशेंट्स पॉजिटिव आए।